मुंबई के आईसीआईसीआई बैंक में 27 अक्टूबर को डकैती डालने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपियों को भी इसकी भनक लग गई थी, जिसके बाद वो मुंबई से फरार हो गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मुंबई पुलिस उनकी तलाश कर रही है। और इस बीच एक आरोपी मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। पकड़े जाने के डर से बाकी तीनों आरोपी गोरखपुर में आकर छुप गए थे और पूरे सबूत इकट्ठा कर मुंबई पुलिस ने यूपी एसटीएफ की मदद से तीनों आरोपियों को गोरखपुर रेलवे बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। तो मुंबई के गुनाहगार गोरखपुर से गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई पुलिस ने यूपी एसटीएफ की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई में बैंक में डकैती डालने वाले इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई और राजधानी लखनऊ से लोमस झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। लोमस, क्या कुछ पूरी खबर है? 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरी घटना 27 अक्टूबर की रात की है, जब कुछ लोग मुंबई स्थित आईसीआईसीआई बैंक के दफ्तर में जाते हैं। बताया जाता है कि वो मेन ब्रांच है, वहां पर जाते हैं, वहां का जो गार्ड होता है उसको बंधक बनाते हैं। बंधक बनाने के बाद वो स्ट्रांग रूम में चले जाते हैं, उनके पास गैस कटर होता है और गैस कटर की मदद से वो स्ट्रांग रूम को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो स्ट्रांग रूम नहीं कटता है। तो वो इस एवज में जो वहां पे आसपास जो बैंक का सामान होता है उसको वो उठा करके एक ट्रॉली की मदद से वो निकलते हुए सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो जाते हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि स्ट्रांग रूम काफी हद तक कड़ी सुरक्षा में उसको बनाया गया है, कड़ी सुरक्षा के साथ उसको तैयार किया गया, तो आमतौर पर उसको काटना काफी मुश्किल हो जाता है चोरों के द्वारा। तो उसी एवज में उन्होंने आसपास के जो सामान रखे थे, बैंक के दूसरे सामान थे, उनको लेकर के वो अपने साथ भागने लगे और भागने के मद्देनजर वो सीसीटीवी कैमरे बैंक में भी लगे थे और जो बाहर लगे थे उसमें वो कैद हो गए। तो कहीं ना कहीं उससे मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, उनसे ये साफ हो गया कि कौन लोग उस पूरे चोरी में शामिल थे। और साथ ही मुंबई पुलिस ने यूपी एसटीएफ की मदद से चाहूंगा राजेंद्र नारायण मिश्रा एसएसपी एसटीएफ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका। ये जो खबर निकलकर सामने आई, गोरखपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने मुंबई में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? किस तरह का ये प्रोफाइल तीनों आरोपियों का? जी, ये एक घटना 27 और 28 की रात में बड़ा ब्रांच मुंबई सेंट्रल मुंबई में घटना हुई थी जी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा रात में गैस कटर जो होता है, गैस कटर के माध्यम से वहां का स्ट्रांग रूम और लॉकर्स को काटने की कोशिश की गई थी। और उसी बीच जो है वो या तो गैस खत्म हो गई या अलार्म जनरेट हुआ और उसके बीच वहां पर ये इन्होंने जो वहां का गार्ड था उसको बंधक बना लिया था और ये घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में एक डकैती का मुकदमा भी थाना नागपाड़ा मुंबई में लिखा गया था जी। कुछ इन्फॉर्मेशन आई, उस इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने तत्काल प्रक्रिया करते हुए इन 3 एक्यूज को गोरखपुर कैंट स्टेशन के पास से अरेस्ट किया है जी। ये तीनों जो आरोपी गिरफ्तार किए गए, क्या इनका यूपी से कनेक्शन है या फिर महाराष्ट्र के रहने वाले? ये सारे अभियुक्त जो है वो पश्चिमी चंपारण बगहा के रहने वाले हैं जी। और इसके संबंध में हम लोग और छानबीन कर रहे हैं कि इनकी पुराने एंटीसीडेंट क्या है, पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है और इनकी सारी डिटेल्स को एनालिसिस करके हो सकता है कि इस प्रकार के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं और निश्चित तौर पे हो सकता है इन्होंने कहीं ना कहीं और पहले भी किसी प्रकार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया हो जी। मुंबई से भागकर आए, गोरखपुर आकर छुप गए, कैसे आपको ये सफलता मिली? जी, कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, मुंबई पुलिस ने शेयर किया था और हमने हमारी एसटीएफ की टीम ने इमीडिएटली रिएक्ट किया और उनको जो है नैप किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किस तरह से इस सफलता को हासिल किया गया, मुंबई में बैंक में डकैती डालने वाले गोरखपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के गुनाहगार गोरखपुर से गिरफ्तार हुए। लोमस हमारे साथ लगातार बने हुए। लोमस, जैसे कि एसटीएफ एसएसपी भी बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने ये सफलता हासिल की, उन्हें कुछ लीड मिली, कुछ जानकारी मिली, उसके आधार पर ये गिरफ्तारी हो पाई है। और लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गोरखपुर में आकर ये आरोपी छिप जाते हैं और अच्छी बात यह है कि यूपी एसटीएफ तुरंत उन्हें गिरफ्तार भी कर लेती है।
बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से जानकारी साझा हुई, मुंबई पुलिस ने ये पूरी जानकारी सीसीटीवी के फुटेज भी यूपीएसटीएफ से साझा किया उन्होंने, और कई सारे ऐसे डिटेल्स जो इन लोगों तक पहुंचने में काफी मदद मिल सके उनको पूरी तरीके से यहां पे यूपीएसटीएफ को साझा किया, और साझा करने के बाद लगभग बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में यूपीएसटीएफ ने उनको गोरखपुर से पकड़ लिया। साथ ही ये भी आपको मैं बता दूं कि मुंबई में जब ये पूरी घटना हुई, घटना के बाद मुंबई पुलिस को एक गुनहगार उनके हत्थे चढ़ गया, साथ ही उन्होंने उससे पूछताछ की, पूछताछ करने के बाद ये क्लू सामने आया कि वो गोरखपुर जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वो छुप सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि उनके रिश्तेदार भी उस क्षेत्र में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं उसके एवज में वो वहां पे छुपने का काम कर सकते हैं। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, और सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने यूपीएसटीएफ से पूरी जानकारी शेयर की, और शेयर करने के बाद लगभग बताया जा रहा है कि 2 दिनों में ये पूरा केस सॉल्व हो गया। अभी फिलहाल क्योंकि तीनों आरोपी जो इस पूरे लूटकांड में शामिल थे उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया, मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, साथ ही उनसे यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि दूसरे जो बैंकों में पहले जो लूटे हुई थी क्या उनके द्वारा की गई थी, या फिर इनके जो और दूसरे बताया जा रहा है कि इनके साथी थे वो कहां पे अभी मौजूद है, उनकी भी तलाश मुंबई पुलिस करेगी, और साथ ही उनसे दूसरे सबूत भी जानने की कोशिश करेगी।